दिखाए तरीके से हम यह ब्लाउज सिलने वाले हैं, तो इसके लिए हमें यह अंदर वाला कपड़ा अलग और ऊपर वाला अलग से चाहिए। जैसे कि यह घाघरे पे या फिर वन पीस के ऊपरी सतह पे यूज किया जाने वाला ब्लाउज बनने वाला है डिजाइनर ब्लाउज, उसके लिए जो नाप चाहिए यहाँ पे तो मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ आपको कि ऊंचाई बराबर कमर की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बराबर 13 इंच, छाती का चौथा छाती बराबर 34 इंच, कमर फिटिंग बराबर 30 इंच, शोल्डर बराबर 15 इंच और आगे का गला बराबर 7 इंच, इतने नाप हमें चाहिए। एक जो है वो बड़ा गला है, बाद में हम देखेंगे कि इस नाप को इस पर कैसे डालना है, अभी हम देखते हैं पूरी कटिंग कैसे करेंगे। यह दोनों कॉम्बिनेशन हमने लिए हुए हैं, जैसे कि यह आंचल के निकला हुआ जो कपड़ा है वही हमें जो डिजाइन बनाने के लिए काम आएगा। आपके पास डिजाइनर कपड़ा हुआ तो वह यूज कीजिए, और यह अस्तर डालने के लिए बीच वाले अस्तर के लिए यूज करने वाला कपड़ा हमने लिया हुआ है, अभी इसी पे पूरा कटिंग करेंगे। जैसे कि यह हमें अभी नहीं लगने वाला, इसको हम थोड़ा वक्त बाजू में रखेंगे, यह लगेगा तो हम यह सामने रख लेते हैं। और यह हो गई अस्तर के ब्लाउज की कटिंग। अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करते वक्त यहाँ पे डालना है छाती का चौथा हिस्सा, तो छाती का नाप बराबर कितना है 34 इंच, 34 का चौथा बराबर 8.5 इंच, 8.5 को ऐसे बंद बाजू पे डाल लेना है, 8.5 प्लस 2 इंच बराबर 10.5, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। कम करने के बाद यह इस टाइप से दिखेगा, 10.5 हो गया। 10.5 हो जाने के बाद इसको बढ़िया से चौकोन बना लेंगे। चौकोन बन जाने के बाद हम इसे काट भी सकते हैं या फिर ऐसे ही हम पैटर्न भी बना ले सकते हैं। तो हमारी लंबाई कितनी ले ली थी, तो लंबाई अगर 13 थी तो हमने 14 यहाँ पे ले ली है। फिर बाद में हमें शोल्डर डालना है, शोल्डर बराबर कितना था तो 15 था, 15 के आधा बराबर 7.5 इंच, ऊपर 7.5 इंच, नीचे जैसे थे वैसे ही आपको शोल्डर डालना है, 1 इंच बराबर अंदर बढ़िया से गोलाई। यह हो गई आपकी पेट के हिस्से की कटिंग कंप्लीट। अभी इसमें गला भी बाकी है, तो गला बराबर एक छोटा एक बड़ा, तो बड़ा गला पहले तो हम बना लेंगे। तो बड़ा गला बनाने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा गला बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे एक इस नाप के लिए यह मार्जिन बनानी है, और बाद में हमें 7.5 इंच पे खून बनानी है। तो 7 इंच पे हम अगर एक पॉइंट बनाएंगे तो 0.5 इंच नीचे आकर हम चौकोन बना लेंगे। 0.5 इंच नीचे आकर जब हम चौकोन बना लेंगे तो बीच वाले हिस्से को भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे भी एक चौकोन बना लेंगे। अभी करेंगे क्या इस चौकोन का, तो पहले चौकोन का तो करेंगे बढ़िया से गोल। अभी हम इसे कटिंग करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो शोल्डर की ढलान देना जरूरी है। शोल्डर की ढलान बराबर 0.5 इंच, और इस टाइप से हमारा पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसे भी टक्स की जरूरत रहती है, तो टक्स बनाते वक्त वही फॉर्मूला यूज करना है, 3.5 इंच इधर और 4.5 इंच ऊपर, ऐसे आगे पीछे दोनों साइड में टोटली 4 टक्स हमें लगेंगे। दिखाए तरीके से पीठ का हिस्सा जो है वह निकाल चुका है, और आगे के हिस्से में यह टक्स बना हुआ है, जो नीचे का चौकोन था उस पे भी बढ़िया से गोल कर दिया, और यह हो गया बड़ा गला आगे के हिस्से के लिए। अभी हम इसको कट करेंगे। चला तर मग छान पैकी आपला ब्लाउज जे आहे त्याचं रेडी झालेलं आहे शिवून। जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं कालप्रमाणे की आपण हे उलटवून वगैरे घेणार आहोत, आणि आता हे उलटवून झालेलं आहे, सगळं काही रेडी झालेलं आहे, जिथे पाहिजे तिथे जॉईनिंग झालेली आहे। इथे मात्र त्याला पट्टी लावून फोल्ड करून घेतलेलं आहे। मी तुम्हाला शिधपट्टी दोघंही करून दाखवणार आहे की नेमकं आपलं ब्लाऊज जे आहे ते कसं दिसतंय। आत्ता सध्या ब्लाऊज आपलं असं दिसतंय। आपण बॅक साईडला बघूया, आपलं ब्लाऊज जे आहे ते सध्या असं दिसतंय। आणि इथे तुम्हाला हवं असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं की चैन टाका किंवा मग हुक टाका, आणि जर हुक टाकायचे असतील तर तुम्हाला काय करावं लागतील, यासाठी छोटे छोटे मार्जिन ज्या खुणा कराव्या लागतील। आणि हुक टाकण्यासाठी जे बिगिनर्स आहेत, त्यांचे जे सुरुवात करतायत, तर त्यांच्यासाठी इथे इथे आणि इथे प्रथम एवढ्या 3 खुणा मात्र करून घ्यायच्या। नंतर तुम्हाला हवं तर तुम्ही याच्यात आणखीन 1 करू शकता, आणि आणखीन हवं असेल तर मग आणखीन 1-1 सुद्धा करू शकता। अशा सर्व ठिकाणी हुकचे कॉलम करायचे आहे आणि हुक लावून घ्यायचे आहे। बेस्ट ऑप्शन आहे की तुम्हाला हुक लावून घ्यायचे असतील तर मग अशाच पद्धतीने लावावे लागतात, म्हणजे साधारणतः 1-1 इंचच्या अंतरावर, आणि येथे लावताना आपल्याला काच लावावे लागतील।
ठीक है। आणि ही झाली हुकणिकास लावण्याची पद्धत सुद्धा तुमची रेडी। टक्स लावून आपला हा जो पॅटर्न आहे तो असा रेडी झालेला आहे। आपण आणखीन मध्ये सुद्धा बघूया याला की हा नेमका कसा दिसतोय। तर हा दिसताना साधारणतः आपण अस्तर पण बघा वेगळा टाकलेला आहे, त्यामुळे तो असा आपल्याला छानपैकी दिसतोय की नेमकं पॅटर्न शिवलं तरी गेलं कसं आहे। तर शिवताना बघा याला पलटी करून आपण टक्स टाकून घेतलेली आहे। फिटिंग मात्र तुम्हाला इथे असा टेप घ्यायचा आहे आणि टेप छातीचा चौथा भाग इथून इथे आणि अर्धा इंच थोडासा जास्त ठेवायचा आहे का हा जाड कपडा असल्या कारणाने तुम्हाला काय करावं लागणार आहे की जाड कपडा थोडासा ॲडजस्ट करावा लागणार आहे। आणि तुमचा जो छातीचा चौथा भाग होता, समजा 34 माप होतं तर 34 माप बरोबर 8.5 आणि इथे 8.5 बरोबर कम्प्लीट झालेले आहेत। आणि तुमचं 8.5 माप हे इथे आलेलं आहे, दाखविल्याप्रमाणे 8.5 इथे दिसत आहेत। आणि तसंच 8.5 इथं घ्यायचं आणि डायरेक्टली तुम्हाला जोडून घ्यायचं आहे। समजा कमर 30 असेल तर मग 30 चौथा भाग इथे घ्यायचा आणि सरळ तिरकी रेष घ्यायची आणि तुमचं पॅटर्न बरोबर रेडी होईल। आगे का कटिंग का जॅकेट बनाने के लिए हमें ऐसा कपडा चाहिए जो की अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है। अभी हम देखेंगे इसको किस तरह से आपको सिलना है। पीड़ित के हिस्से बराबर 3 हिस्से किए हुए हैं। यह भी बंद बाजू से है, यह भी बंद बाजू से है, यह भी पूरा पीठ का हिस्सा है, ऐसे आप समझिए। यह भी पूरा, यह भी पूरा, यह भी पूरा, यानी कि टोटल 3 पीठ के हिस्से हमें चाहिए। एक ये, एक ये, एक ये, 3। 3 का क्या करेंगे, एक आगे एक पीछे, लेकिन जो तीसरा रहेगा उसको डिजाइन के रूप में हम यूज करेंगे। ये तो हम आगे और पीछे के लिए छोड़ देते हैं, यह हम देखेंगे कि आगे कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीठ के हिस्से बराबर हमने 3 किए हुए हैं, एक पीठ का, एक आगे का, और यह हो गया डिजाइन के लिए यूज किया जाने वाला आगे का हिस्सा। तो इस हिस्से को हम क्या करने वाले हैं, बढ़िया से यहाँ पर डिजाइन मैनेज करने वाले हैं। तो डिजाइन मैनेज करने के पहले तो गले की आगे की लंबाई मात्र डाल लेनी है। गले की आगे की लंबाई तो हमने डाल ली, लेकिन पैटर्न कैसे करना है तो उल्टा करना है। 1 इंच ऊपर और सीधी लाइन, आधा इंच बाहर और टेढ़े में लाइन, और यहाँ से भी टेढ़ा, बढ़िया से गोल आपको यही बना लेना है। और यही जो पार्ट है वो कट हो जाएगा। कट हो जाने के बाद जो दिखेगा वही हमारी डिजाइन हो जाएगी। फिलहाल तो हमारी डिजाइन अभी ऐसी दिख रही है। हम अभी देखेंगे खोल के कि यह डिजाइन कैसी दिखेगी। यह हमने बाजू को कर दिया तो पैटर्न बराबर इस टाइप से हो गया। और इसी टाइप का हम अस्तर जब डिजाइनर लगाएंगे तो ब्लाउज पर डालेंगे तो बढ़िया से नीचे से गला दिखाई देगा। दिखाए तरीके से हमने यह लेस को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है कि यह बीच वाला डिजाइन जो है वो बैठ जाए। जैसे कि आंचल की डिजाइन निकली हुई थी लंबी लंबी, तो हमने इस तरह से उसको ज्वाइन करके ऐसे जोड़ दिया है कि यह ब्लाउज का पूरा डिजाइन उसमें आ जाए। पहले तो यहाँ पे गोल और साइड में हमें टिप लगानी है, बाद में हम देखेंगे गले का क्या करना है। और जो बीच वाला हिस्सा है वह इस तरह से अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। गले का हिस्सा बराबर इस टाइप से हम रेडी कर चुके हैं कि बाद में यह टक्स लगेंगे और पैटर्न पूरा हो जाएगा। दिखाए तरीके से हमने यह लेस वाला पैटर्न गोलाई में सिल चुका है। यहाँ पे सिर्फ बाकी है, यह पूरा रेडी हो चुका है। हम अभी देखेंगे सीधा करने के बाद यह पैटर्न कैसे दिखेगा। बाद में हम सोचते है इसको कहाँ लगाना है, कैसे पलटी करना है। यहाँ पे हाथ डाल के इसको यहाँ से निकालना है, यहाँ पे हाथ डाल के इसको यहाँ पे निकालना है। बढ़िया से निकलने के बाद हम देखेंगे कि यह पार्ट ऐसे दिख रहा है। एक मिनट, सीधा करने के बाद यह पार्ट इस टाइप से दिखेगा। बाद में हम यहाँ पे डाब सिलाई चला देंगे और बढ़िया से जैकेट अपना रेडी हो जाएगा। आगे के हिस्से में फोल्ड पट्टी करके हम पाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दबा के टिप लगा के बीच में अंदर पट्टी भी लगा सकते हैं। यह भी रेडी हो गया, यानी कि जैकेट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। दिखाए तरीके से पलटी किया हुआ पार्ट यह आगे के साइड लगने वाला है। यह बड़ा गला लिया हुआ है, यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड, और बीच में से पलटी करके यह पैटर्न इस तरह से तैयार हुआ है कि हम आगे के पार्ट के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह से जैकेट को हमने ऊपर रख के यह पार्ट जो है इस तरह से ऐसे रख के यह साइड में और ऊपर के हिस्से में हमने टिप लगाना शुरू कर दिया। वह टिप लगने के बाद ये मात्र ओपन छोड़ देना है। ओपन छोड़ने के बाद यह हो गया आगे की सतह पे लगने वाला जैकेट का पैटर्न आपका रेडी हो जाएगा। और आपको सिर्फ ऊपर टिप लगानी है और साइड में टिप लगानी, यह हो गया आगे का हिस्सा कम्प्लीट। जिस तरह से हमने ब्लाउज रखा हुआ है उसी टाइप से हमें जोड़ना है। जैसे कि मैंने यह बताया था कि यह पार्ट इस टाइप से जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको टिप नहीं लगानी है। यह हो गया ओपन सतह, यह हो गया ओपन, ये ओपन, लेकिन यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यहाँ पे आपको फोल्ड पट्टी करके अंदर कर देना है। लेकिन ये पीछे के हिस्से हो गए, पीछे के हिस्से को मैंने ओपन रखा हुआ है क्योंकि आगे अगर बंद रहे तो पीछे ओपन रहता है। ओपन रहेगा तो यहाँ पे हुक लगा सकते हैं या फिर चेन लगा सकते हैं। यह जो नीचे बना हुआ है यहाँ पे पट्टी लग के अंदर फोल्ड होगी। और ये हो गया टक्स बनाने का पॉइंट, यहाँ पे भी आपको टक्स चाहिए और आगे भी आपको टक्स चाहिए। यह हो जाने के बाद इसको ऊपर रख के ऐसे उल्टा करके यहाँ पे भी आपको टिप लगानी है और पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि दिखाया गया है इस तरह से आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपका पैटर्न पुरानी साड़ी के आंचल से बना हुआ डिजाइनर ब्लाउज बढ़िया तरीके से आपका तैयार हो गया है।